फिरोजपुर रूरल के एमएलए सत्कार कौर जी हमारे साथ हैं, जाखड़ साहब से मिलकर आए हैं। सत्कार कौर जी, अभी अनाउंसमेंट नहीं हुई है, लेकिन आप जो फॉर्मर प्रेसिडेंट सुनील जाखड़, उनसे मिलने गए थे, क्या इंडिकेशन समझा जाए कि उनको बनाया जा सकता है चीफ मिनिस्टर? देखो, हम तो पहले भी जाखड़ साहब से मिलते रहते हैं और आज भी हम रूटीन में मिलने उनके लिए आए हैं, और जैसे नाम चल रहे हैं, और जो श्रीमती सोनिया गांधी जी, श्री राहुल गांधी जी, जो उन्हों का जो हुक्म सानू होएगा, असी उन्हों के नाल सहमत है। लेकिन कल जैसे सीएलपी मीटिंग हुई तो उससे पहले चीफ मिनिस्टर ने रिजाइन कर दिया, लेकिन रात भर मीटिंगें चलती रही, कुछ पेच फंसा हुआ है कहीं पे, कहीं कुछ नामों को लेकर, ऐसा क्या लगता है आपको? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अभी पार्टी, इतना बड़ा फैसला लेना है, पार्टी को टाइम तो लगेगा ही, क्योंकि बहुत बड़ा पंजाब के की लड़ाई है, और थोड़ा टाइम तो लगेगा ही। आज स्पेशल सुनील जाखड़ जी से मिलना कैसे हुआ? हम तो सबसे मिल रहे हैं, ये नहीं है कि स्पेशली सुनील जाखड़ जी से मिलने के लिए, सबसे मिल रहे हैं, अभी भी जाएंगे और लीडरों के साथ मिलेंगे। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कल इस्तीफा दिया और उन्होंने बोला कि मुझे ह्यूमिलेट किया गया, मुझे लगा कि मेरी बेइज्जती हुई, ऐसा कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा? नहीं, उनके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहूँ, उन्होंने भी अपने पंजाब के लिए जो किया बहुत अच्छा किया, जो पार्टी का हुक्म है उन्होंने मान लिया। सोए थे एमएलए सत्कार कौर, देखिए जिस तरह अभी AICC ने नाम अनाउंस करना है कि अगले मुख्यमंत्री पंजाब में कौन होंगे, लेकिन फॉर्मर प्रेसिडेंट सुनील जाखड़ के घर एमएलए का आना शुरू हो गया है, बधाइयां भी दे रहे हैं, लेकिन उनका नाम अनाउंस होता है नहीं होता अलग बात है, लेकिन एमएलए का यहां पे तांता लगना शुरू हुआ है। कैमरा पर्सन मेहरबान के साथ असीम बसी, ABP न्यूज़, चंडीगढ़।